हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर और दिग्गज द अंडरटेकर की कुल संपत्ति और कमाई। WWE दिग्गज द अंडरटेकर को इस साल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया। अंडरटेकर के फैंस को बहुत शानदार तोहफा WWE ने दिया। 30 साल तक अंडरटेकर ने WWE फैंस को एंटरटेन किया और इसका इनाम अब उन्हें मिल गया। WWE को बड़े मुकाम तक ले जाने में अंडरटेकर का बहुत बड़ा हाथ रहा। विंस मैकमोहन के साथ हमेशा वो खड़े रहे। अगर कमाई की बात करें तो अंडरटेकर का नाम इसमें भी आगे आता है। अंडरटेकर को WWE की तरफ से लगभग $2.5 मिलियन सैलरी मिलती है। अगर अंडरटेकर की कुल नेटवर्क की बात करें तो वो $17 मिलियन है। इसके अलावा मर्चेंडाइज से भी अच्छा पैसा अंडरटेकर कमा लेते हैं। अंडरटेकर अब रिंग में नहीं नजर आते हैं। साल 2020 में उन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। उनके रिटायरमेंट के दौरान कई दिग्गज नजर आए। खुद WWE चेयरमैन विंस मैकमोहन ने खास स्पीच दी थी और वो काफी भावुक हो गए थे। रेसलमेनिया 36 में अंडरटेकर ने WWE में अपना अंतिम मैच लड़ा था एजे स्टाइल के साथ। उनका शानदार मैच रहा था। इस मैच में अंडरटेकर को जीत मिली थी। इसके बाद वो रिंग में नजर नहीं आए। अंडरटेकर कई बार कह चुके हैं कि अब वो दोबारा रिंग में वापसी नहीं करेंगे। हालांकि फैंस अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक अंतिम मैच के लिए वो जरूर वापसी करेंगे। अंडरटेकर ने ये जरूर कहा है कि वो कुछ साल बाद WWE बैक स्टेज में काम करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर ये नए रेसलर के लिए अच्छी बात होगी। अंडरटेकर सभी के साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। खैर, इस बार उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है। 1 अप्रैल को हॉल ऑफ फेम सेरेमनी का आयोजन होगा। दिग्गज अंडरटेकर इस बार खास अंदाज में नजर आएंगे। ये खबर सुनकर फैंस ने भी सोशल मीडिया में अपने अलग अलग अंदाज में अंडरटेकर को बधाई दी है। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।